हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? माय नेम इज़ निवेड़ा जसवंत सिंह, एक्स इंडियन आर्मी MBA HR। फ्रेंड्स, आज बहुत दिन के बाद फिर मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ पसारा के सिलसिले में। तो फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी पहले 3-4 वीडियो मैंने अपना यूट्यूब में दिया हुआ है और लोगों ने उसको अच्छी तरह से जो है उसका उपयोग भी किया है, सुना है और अपना लाइसेंस भी खुद बना लिए है और कई बार मुझे कॉल भी आता है और मैं उनको सुन के उनको अगर कोई प्रॉब्लम है उनकी, कहीं जहाँ गाड़ी अटकती तो मैं हेल्प भी करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं एक नया वीडियो एक बना रहा हूँ पसारा के सिलसिले में कि पसारा लाइसेंस कैसे लिया जाए। तो फ्रेंड्स, आपको फिर से मैं एक बार इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जब तक दो चार वीडियो में नहीं होगा या मेरा नहीं बनेगा और जहाँ जहाँ कहीं कमी रह गई है, जैसे जैसे मुझे कॉल आती है तो उस आधार पे मैं अपना एक वीडियो बनाऊंगा नया, तो उससे उनकी जो कहीं कुछ कमी रहती है तो वो पूरी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, क्या है कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो काफ़ी लंबी हो जाती है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी मैं अब जो वीडियो ये बना रहा हूँ उसमें कोशिश करूँगा कि जो भी कुछ कमी रह गई है वो सारी मैं पूरी करूँ उसके अंदर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पसारा लाइसेंस लेने के लिए आपको क्या 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 डॉक्यूमेंट चाहिए और कैसे शुरू करें, आपको मैं पहले से बताता हूँ क्योंकि कई लोग पूछते हैं साहब कैसे करना, कहाँ से करना है? तो ये क्या है कि वो थोड़ा जब पहले से ही मालूम नहीं तो आगे और बहुत प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले आप www.pasara.government.in में आप क्लिक करिए, राइट साइड टॉप में आपको लॉगिन ऐसा एक लिखा होगा लाल अक्षरों में, उस पर आप क्लिक करिए, एजेंसी लॉगिन में आप क्लिक करिए। उसके बाद एक चौरस में खुल जाएगा लॉगिन पासवर्ड का। अगर आपका आप नया रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे पसारा का तो एकदम नीचे में चले जाइए, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपका आधार, आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, सारे चीज़ मांगेंगे। उसके बाद आपका पासवर्ड मांगेंगे, वो आप दे के उसके बाद फिर जो है अपना लॉगिन पासवर्ड आप पहले बना लीजिए। जब आपका लॉगिन पासवर्ड जब पहले बन जाएगा तो उसके बाद फिर क्या है कि आपको वो फिर जब ओपन करोगे फिर वापस जाके तो आपका एक न्यू लाइसेंस या रिन्यूअल के लिए वो फॉर्म खुल जाएगा। अब आप फॉर्म को खोल के उससे कोई खास मतलब पहले नहीं निकलता है क्योंकि जब तक आप जो रिक्वायर डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आप रेडी नहीं करेंगे तो फॉर्म खोल के आप आगे उसमें अनसर्न डालने से कुछ नहीं होगा। तो मेरा ही आपको फिर से एक बार बताता हूँ कि आप बेशक आप लॉगिन पासवर्ड कर लीजिए लेकिन जो डॉक्यूमेंट की इसमें ज़रूरत है वो डॉक्यूमेंट आप पहले बना लीजिए। अब क्या डॉक्यूमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी कई चीज़ बताता हूँ लोगों के कई बार माइंड में नहीं घुसता है कि भाई क्या क्या बता रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो आपका रेसिडेंस एड्रेस चाहिए डॉक्यूमेंट में। तो रेसिडेंस में क्या होता है, आपका आधार कार्ड में अगर आपका खुद का ही रेसिडेंस एड्रेस डाला है तो एक आपका प्रूफ हो गया। आपका वोटर आईडी कार्ड है वो भी आपका एक प्रूफ हो गया। आपका इलेक्शन कार्ड कॉपी है तो वो भी आपका वोटर आईडी या इलेक्शन एक ही बात है। इसके बाद आपका लाइट बिल है, इसके अलावा आपका पासपोर्ट है, तो ये काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। उसमें से एक डॉक्यूमेंट काफ़ी है आपका रेसिडेंस प्रूफ करने के लिए, एक डॉक्यूमेंट का। लेकिन ये मैं इसलिए 3-4 बता रहा हूँ, किसी भी एक हो तो बेटर है। अगर वो अब जो अभी आपके रेसिडेंस एड्रेस में अगर आपका वो रेंट पे है तो आपको वो आपको रेंट एग्रीमेंट बनाना है। मिनिमम 100 रुपीस टाइम पेपर में आप रेंट एग्रीमेंट आप बना लीजिए और वो रेसिडेंस एड्रेस का आपका एक प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका ऑफिस प्रूफ, ऑफिस प्रूफ में क्या होगा, अगर आपका अलग से ऑफिस है या आपका खुद का है या तो मतलब समझ लो कि आपने रेंट में लिया है, अगर खुद का है तो कुछ, अगर खुद का है तो आपके नाम से होगा, आपके पिताजी के नाम से, किसी न किसी नाम से तो होगा। अगर अपने नाम से है तो बेटर है, तो चलो ठीक है, उसका प्रूफ इंडेक्स नकल होती है आप उसमें अपलोड कर दीजिए। अगर पिताजी के नाम से है तो आपके नाम के पीछे पिताजी का नाम होता है तो भी आपका ही है। तो वो चीज़ अगर आप रेंट में ले रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट बना लीजिए, दो रेंट एग्रीमेंट हो जाता है अगर जो किराए पे दोनों चीज़ है तो, क्योंकि समझ लीजिए यूपी का आदमी है गुजरात में रह रहा है तो उनका घर भी खुद का नहीं होगा, ऑफिस भी खुद के नहीं होगा, तो दोनों दो बना लीजिए। अच्छा, इसके अलावा तीसरा एक रास्ता है कि भाई अब आदमी घर में रह रहा है और वहीं से अपना ऑफिस खोलना चाह रहा है तो वो भी ठीक है, वही आपका जो रेंट जो एग्रीमेंट है वही आपका ऑफिस एड्रेस है,
ठीक है, ये आपका एक प्रूफ हो गया, सबसे बड़ा प्रूफ हो गया। इसके अलावा आपको आगे क्या रिक्वायरमेंट है कि आपका एक फोटोग्राफ चाहिए, आपका ईमेल आईडी चाहिए, इसके बाद जो है आपका आपका जो ऑफिस है, ऑफिस के लिए आपको क्या करना होता है, एक आपको बैनर बनाना होगा। बैनर की जनरली एक साइज़ हम बताते हैं, कोई ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसा नहीं बना कि इतनी साइज़ का होना चाहिए, लेकिन 2x4 का एक बैनर बना होना चाहिए। इसमें आपकी एजेंसी का नाम आप लिख दीजिए जो आपने डिसाइड किया हुआ है कि इस नाम की एजेंसी। अच्छा, मैं और एक एजेंसी की जब नाम बात आई तो मैं और एक चीज़ बता दूँ कि आप कभी भी एजेंसी का नाम रखते हैं तो आप फलानी एंटरप्राइज या ओ एजेंसी ऐसा मत करिए, क्योंकि समझ लो कि भाई एक सिंह ब्रदर्स एंटरप्राइज, तो एंटरप्राइज सिंह ब्रदर्स में आपका सिंह में क्या करोगे, एंटरप्राइज में तो बहुत एंटरप्राइज में तो बहुत चीज़ का होता है, कई बिजनेस के नाम में एंटरप्राइज में लिखते हैं तो। लेकिन ये सिक्योरिटी सर्विस जो है एक अलग टाइप की सर्विस है बाकी सबसे। इसमें सिक्योरिटी एजेंसी, सिक्योरिटी सर्विसेज, प्रोटेक्शन फोर्स, प्रोटेक्ट फोर्स भी मत लिखे, प्रोटेक्शन सर्विसेज, सिक्योरिटी एंड मैन पावर सर्विसेज ऐसा आप लिख सकते हैं। लेकिन इसके साथ फिर आप जॉब प्लेसमेंट या हाउस कीपिंग फलाना ढिगड़ा सब मत लिखिए, ये आप एक अलग एक नाम दीजिए, सिक्योरिटी के रिलेटेड नाम दीजिए, वो बेटर रहता है क्योंकि कई बार रिजेक्शन हमने होते हुए देखा हुआ है। तो आप इस तरह से नाम दे दीजिए, नाम वो जो बैनर आपको जहाँ बैनर की बात कर रहा हूँ तो बैनर के ऊपर वो नाम कर दीजिए, नीचे आपका एड्रेस आ जाएगा, ऊपर लोगो अगर है तो लोगो लगा दीजिए, नीचे मोबाइल नंबर भी लिख दीजिए। 2x4 का आप फर्स्ट क्लास बैनर मार्केट में से बना लीजिए, उसको अच्छी तरह से एक फ्रेम वर्क कर लीजिए और अपना ऑफिस के बाहर में लगा दीजिए, और दो चार एक ऑफिस का इनर का फोटो, आउटर का फोटो। इनर में क्या होता है कि जब ऑफिस है तो टेबल नेचुरली एक टेबल, कुर्सी टेबल या मोबाइल सॉरी कंप्यूटर या आपका लैपटॉप या प्रिंटर कुछ तो होगा, नहीं तो आपके रजिस्टर कुछ बुक वगैरह तो होगी, फाइलें होगी, तो आप रख के कुछ दाएं बाएं से फ़ोटो खींच दीजिए 4-5, और बाहर का फ़ोटो खींच दीजिए, आपका बैनर का फ़ोटो खींच दीजिए, तो ये आपका ऑफिस का एक फुल प्रूफ हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको अब क्या करना है, अगर आपकी ऑफिस अगर रेडी है तो सबसे इम्पोर्टेंस के अंदर क्या होता है, एक लोकल रजिस्ट्रेशन। लोकल रजिस्ट्रेशन क्या होता है कि जिसको हम शॉप एंड एस्टाब्लिश सर्टिफिकेट बोलते हैं, उसको गुमास्ता सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, कई स्टेट में शॉप एक्ट बोलते हैं। तो वो जो कुछ कहो उसको, जैसे हमारे गुजरात के अंदर में उसको उसको फॉर्म 4 भी बोलते हैं। तो जो हम अपने ऑफिस खोलते हैं या दुकान खोलते हैं, शॉप खोलते हैं, तो उनका एक लोकल नगर पालिका से हम लोग एक सर्टिफिकेट हमें मिलता है, वहाँ हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कि हमने ये जगह पर ये नाम की जो है वो अपनी ऑफिस खोली। अच्छा, वो सर्टिफिकेट लेने के लिए क्या चाहिए वो मैं भी बता देता हूँ, क्योंकि उसमें कई बार फ़ोन करते हैं हमारे को भी सब उसमें क्या क्या चाहिए। देखो, उसमें क्या एक आपकी एप्लीकेशन होनी चाहिए कि मुझे इस जगह पे मेरी ऑफिस है और ये और यहाँ मैं इस नाम की एक एजेंसी खोलना चाहता हूँ। आपका लेटर पैड में आप बना लीजिए, साथ में एक आपका आधार कार्ड जोड़ दीजिए, आपका पैन कार्ड जोड़ दीजिए, उसके साथ जो ऑफिस है उसका जो ऑफिस प्रूफ है, जैसे आपके पास इंडेक्स नकल है तो उसमें आप लगा दीजिए, या तो वो नहीं तो रेंट एग्रीमेंट, रेंट में तो रेंट एग्रीमेंट लगा दीजिए। और वो एप्लीकेशन की जो कुछ फीस होती है स्टेट वाइज अलग अलग है, वो आप वहाँ पे आप जमा करिए, वो ले लेंगे तुरंत। ऑनलाइन भी कहीं स्टेट में होता है तो वो भी यही चीज़ मांगेंगे, वो आप दे दीजिए, तो वो करने के बाद आप 2-7 दिन में आपको सर्टिफिकेट दे देगा। तो वो आपका ऑफिस का एक लोकल प्रूफ हो जाता है, लोकल रजिस्ट्रेशन हो बहुत ज़रूरी है, उसको शॉप एंड एस्टाब्लिश सर्टिफिकेट। इसके अलावा और भी एक आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए जिसको MSME बोलते हैं, जिसको MSME बोलते हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं। वो गूगल में जाके udyam.government.in करके आप उसको ओपन करिए, सारी जो रिक्वायरमेंट जो है फिर उसको फिलअप करिए, आगे आपका आधार कार्ड वगैरह का मांगेंगे, आपका IT रिटर्न होगा वो सब उसमें वेरीफाई होगा, इसके बाद एक OTP आएगी आप डाल दीजिए, आपको सर्टिफिकेट सामने तुरंत आ जाएगा, आपके मेल में भी आ जाएगा। तो वो सर्टिफिकेट भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, वो भी आप कर लीजिए। ठीक है, ये आपका दो तीन प्रूफ मैंने बहुत इम्पोर्टेंट बता दिया। अब इसके अलावा आपको क्या करना है, आपका आपका जो एजेंसी है उनका एक कलर कोड एजेंस, जो गार्ड का क्या क्या अपने गार्ड का क्या कलर ड्रेस रखेंगे, कलर कोड बोलते हैं उसको। तो कलर कोड के अंदर में क्या होता है कि आपका ब्लैक पैंट, जनरली ब्लैक पैंट सबका होता ही है सिक्योरिटी के अंदर,
अब शर्ट कौन से कलर के रखेंगे, तो ये इसका एक दो तीन फोटो, एक्चुअली तो फोर एंगल्स में फ़ोटो खींचना होता है, एक फ्रंट से, एक राइट से, एक लेफ्ट से, एक पीछे से, और पूरा आदमी फुल टॉप टू बॉटम दिखाई देना चाहिए। ऐसे चार फोटो आप खींच लीजिए और उसमें कलर कोड में उसमें अपलोड कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका कलर कोड हो गया। इसके अलावा आपको जो है एक गवर्नमेंट का जो है एफिडेविट, तो एफिडेविट में क्या है कि एक सैंपल गवर्नमेंट ने एक दिया हुआ है कि हम इंडियन हो और ये सब चीज़, क्योंकि ये जो बिजनेस ऐसा है कि इंडियन ही कर सकता है, या तो एनआरआई होगा वो भी कर सकता है, लेकिन उसमें लिखना पड़ेगा एनआरआई। इंडिया के बाहर का लोग यहाँ के सिक्योरिटी एजेंसी नहीं चला सकते, तो इसीलिए वो एक गवर्नमेंट ने उसमें एक फॉर्मेट बनाया हुआ है एफिडेविट का, तो आपको मिल जाएगा। उसके अंदर में जो बनाया वो कहीं उधर उधर से मत लीजिए, उसके अंदर में कई चीज़ कंटेंट्स है, वो सारी चीज़ रेडी होती है, बस आपको 100 रुपये स्टैम्प पेपर में उसको नोटरी कराना होता है। 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर मार्केट से आप ले लीजिए और साथ में किसी नोटरी का चले जाइए फॉर्म लेके, उसको सिक्का मार के उसको नोटरी करा लीजिए, तो वो जहाँ एफिडेविट सेक्शन 6 का मांगेंगे वहाँ अपलोड करने के लिए आपको काम मिलता है। दूसरा इसके बाद जो है फॉर्म टू। अच्छा, फॉर्म टू में क्या है, कई स्टेट में फॉर्म वन बोलते हैं, किसी में फॉर्म टू। फॉर्म टू का मतलब होता है, ज़्यादातर स्टेट में फॉर्म टू ही चलता है, उसको वेरिफिकेशन ऑफ एंटीसीडेंट ऑफ एप्लीकेंट, मतलब जो आदमी, जो एजेंसी का जो मालिक है, जो प्रोपराइटर या डायरेक्टर्स है उनका, या दो डायरेक्टर, मतलब जैसे डायरेक्टर फॉर्म है, प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म है तो दो डायरेक्टर होगा, तो ये सबके ये फॉर्म भरे जाएंगे और उसको ऊपर फोटो लगाना है, उसके पीछे साइन करना है, एक दो जगह अंगूठा का निशान भी करना, वो बना के उसमें अपलोड करना। दो तरीके हैं, एक तो आप जब अपलोड करेंगे सारे चीज़ें तो उसमें से भी प्रिंट कॉपी निकाल के आप साइन करके अपलोड कर सकते हैं। दूसरा, या तो अपना अलग से फॉर्म टू का सब कंटेंट भर के रखिए और सीधा इसको अपलोड कर दीजिए, तो ज़्यादा झंझट में जाने की इसमें ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट तो आपके खास है, ये चाहिए। इसके अलावा जो आपका पोर्टल है उसके अंदर में क्या है कि कई चीज़ें आपके मांगे, भाई आपके पास जो है आपका इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है, इक्विपमेंट क्या क्या है, तो जो आपके पास अवेलेबल है वो आप लिखिए, नहीं है उसको आपको छोड़ दीजिए, नन कर दीजिए। इसके अलावा जो अगर आप समझ लीजिए कि भाई आपको सिक्योरिटी बिजनेस करना ही है, आपको खुद को कॉन्फिडेंस है और मुझे आगे बढ़ाना भी है और मुझे और कोई स्टेट में भी करना है, जैसे अगर या तो अपने स्टेट में फुल फ्लैग करना है, तो भाई जो देखो PF ESI GST वो बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि बिना PF ESI GST आपको कोई काम देगा नहीं। क्योंकि मैं अपने पहले कई वीडियो में बता चुका हूँ कि PF ESI GST कंपलसरी नहीं है, आपको लाइसेंस तो दे ही देगा ऐसी बात, लेकिन वो लाइसेंस लेके आपके पास जब ये हथियार नहीं है जो PF ESI GST वाला, तो वो आपका वो लाइसेंस किसी काम का नहीं है, ठीक है। क्यों कि कंपनियां है जो है वो आपका पास, जब आप अपना प्रोफाइल आगे रखेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट जब भी आपके पास पसारा यस है, अदर डॉक्यूमेंट PF है नहीं है, ESI नहीं, GST, तो ये आपकी जो प्रोफाइल है साइड में रख दी जाएगी, उसको कोई देखेंगे, कोई उसको नज़रअंदाज कर देंगे, क्योंकि और कई सारी प्रोफाइल जो इनके पास आती है कंपनियों में वो सारे डॉक्यूमेंट लेके आते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर लगा होता है। तो अगर आप ऐसे लाइसेंस लेके अगर सिर्फ आप सोचोगे मैं सिक्योरिटी चला लूँगा तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ओके। बट मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पहले भी ले लो, बाद में भी लेना पड़ेगा अगर आपको काम अच्छी तरह से करना है। अगर आपको ऐसे चिल्ला चलो काम करना है तो आप ले सिर्फ लाइसेंस लेके करिए ना, सोसाइटी उधर उधर कॉम्प्लेक्स का काम लेके अपना जो है अपना जीवन गुजारा करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको अच्छी ढंग से करना है तो आप उसका PF ESI GST जो है आपको बाद में भी ले लीजिए, पहले नहीं ले सकते तो बाद में लीजिए, और वो भी इनएक्टिव लीजिए, एक्टिव मत लीजिए, क्योंकि एक्टिव लेने से उसी वक्त से बनना पड़ेगा, उसी टाइम से आपको उसकी जो है फीस वगैरह जो होती है, जो रूल्स है PF का चलान का, वो भरना पड़ेगा। तो उसको इस तरह से आजकल भी होता है इनएक्टिव, जब जैसे आपका एक सीम होता है, अब ले तो लिया लेकिन जब तक एक्टिव नहीं करेगा तो बात नहीं कर सकते, ऐसे ये भी इसमें आजकल हो गया है। फिर भी आप इनएक्टिव ले लीजिए, आपके पास वैसे वो कागज़, जिस दिन आपके पास काम आ जाएगा, काम आने के बाद आप जो है उसको एक्टिव करना है, ऑटोमेटिक एक्टिव, जब पैसे भरेंगे तो एक्टिव हो जाएगा। अगर आपका बैंक का अकाउंट किसी ने इनएक्टिव कर दिया है बैंक वालों ने, तो आपका इसमें ट्रांजेक्शन से नहीं होगा,
लेकिन जब आप पैसे इसमें डाल देंगे तो ऑटोमेटिक वो एक्टिव में आ जाएगा, ऑटोमेटिक एक्टिव, उसको एक्टिव करने पैसा डालने से एक्टिव हो जाता है। ऐसे ही ये भी है कि जब आप चालान भरना शुरू करेंगे तो एक्टिवेशन में आ जाएगा अपने आप, वो आपका जो कंसल्टेंट होगा वो अपने आप एक्टिव कर देगा। चालान भरने तो एक्टिव करना ही पड़ेगा, उसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं क्लिक करने की होती, तो आप जो है वो आप इस तरह से भी आप ले सकते हैं। दूसरा जिसका न्यू लाइसेंस है और रिन्यूअल, दो टाइप में होता है। जो रिन्यूअल है उसको 45 डेज से पहले अपना ये एप्लीकेशन को रिसबमिट करना पड़ता है, तो इसीलिए वो भाई को मैं आपको जो रिन्यूअल वाले उनको मैं हिदायत देता हूँ कि आप ऐसे बैठे मत रहो, आप डेट लिख के रखिए। मिनिमम आपका 45 डेज जैसे रह जाता है ड्यू डेट, उससे पहले आप इस फॉर्म मतलब एप्लीकेशन को सबमिट कर दीजिए, तो समझ लीजिए उससे 15 दिन पहले आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे चीज़ें फिर से आपको बनाना पड़ेगा। एफिडेविट है, फॉर्म 2 है, ऑफिस का जो कुछ डॉक्यूमेंट है, अदर डॉक्यूमेंट्स है, जो कुछ फॉर्मेलिटीज़ है वो आपको करनी पड़ेगी। साथ साथ में रिन्यूअल है उनको जो है अपना आदमियों का गार्ड का वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका वेरिफिकेशन करें। 500 रुपये का चालान भर के गवर्नमेंट को आपको उसका चालान भरना होता है, आप चालान भी उसके अंदर ऐड कर दीजिए। कई चीज़ें इसके बाद ट्रेनिंग ज़रूरी है, अपने गार्ड्स की ट्रेनिंग दीजिए, ट्रेनिंग का जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये नया में पुराने में यही फर्क है, आईटी रिटर्न आपका होगा जो ऑलरेडी जो रिन्यूअल में है तो उनका 3 ईयर्स का लास्ट आईटी रिटर्न आप उसमें अपलोड करिए, उसमें ऑप्शन ऑलरेडी है तो भी आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, न्यू वाला है नहीं करेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि वो नया बिजनेस शुरू करा है, उसके पास कहाँ से आएगा। हाँ, अगर और कोई बिजनेस का ऑलरेडी मेन पावर से कुछ चल रहा है, लेबर वगैरह, तो वो भी अपना अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके आगे आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा ये सारी चीज़ें आपके पास, आप क्या फैसिलिटीज़ दे सकते हो। कई बार इसमें पूछते हैं आपका पोर्टल के, आप व्हाट टाइप यू हैव प्रोवाइड फैसिलिटीज़, तो आप उसमें लिख सकते हैं वी प्रोवाइड, अब उसमें लिखने का भी आता है, वी प्रोवाइड फ्री एकोमोडेशंस, कंसेशन मैशिंग या तो फ्री मैशिंग, फ्री ट्रांसपोर्टेशंस, ठीक है, फ्री मेडिकल कवर्स, ठीक है, फ्री इंश्योरेंस कवर्स, पीएफ प्रोविडेंट फंड फैसिलिटीज़, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस फैसिलिटीज़, और ड्रेस फ्री ड्रेसिस एंड अदर एमिनिटीज़ लीव, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते, ये प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप जो लिखने का तो ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या इम्पोर्टेंट होता है, देखो सबसे बड़ा इसमें इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और आपको आपका MOU। कई लोग बोलते हैं साहब MOU क्या है, MOU क्या है, हम लोग MOU बोलते हैं, कई मुँह बोलते हैं, अरे भाई मुँह नहीं है वो, MOU शॉर्ट फॉर्म है। MOU का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो हर चीज़ का MOU बनता है। आप किसी से दो पार्टी के बीच में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, किसी टाइप का डीलिंग कर रहे हैं, तो आप उसको MOU आप एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट नॉन बाइंडिंग होता है, एक फुली बाइंडिंग एग्रीमेंट भी होता है, तो ये नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है, उसको आप एक दोनों मतलब इसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो दोनों साइन करते हैं। आप सिक्योरिटी का काम भी लेते हैं तो एक एग्रीमेंट करते हैं, वो एग्रीमेंट भी एक MOU ही है। इस तरह से गवर्नमेंट ने भी एक इसमें MOU रखा है कि भाई जितनी सिक्योरिटी एजेंसी है वो सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो नहीं है, वो सारे ट्रेनिंग सेंटर तो नहीं चलाते हैं, तो वो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स अपने स्टाफ का ट्रेनिंग कहाँ से देंगे इन फ्यूचर, जब गवर्नमेंट स्टिक हुई कि भाई ये जो जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है विदाउट ट्रेनिंग हम नहीं चलने देंगे, पुलिस वाले इस पर स्टिक कर देंगे या गवर्नमेंट स्टिक कंपनी स्टिक कर देंगे भाई आपको सर्टिफिकेट इनको देना होगा, ट्रेनिंग देना होगा और सर्टिफिकेट देना होगा, दैट टाइम ये जो एजेंसी कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी, जब उसका अगर MOU नहीं किसी से हुआ। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि आप ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट है उससे MOU लीजिए और उसमें अपलोड करिए, साथ साथ में प्रोपराइटर ट्रेनिंग होता है, एक प्रोपराइटर ट्रेनिंग, डायरेक्टर्स ट्रेनिंग। तो मुझे अभी ये चीज़ को बताने में बड़ी खुशी है कि हमारी जो इंस्टीट्यूट है अल्फा सिक्योरिटी सर्विस एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है, हमारी स्किल इंडिया से रिकॉग्नाइज है, NSDC से रिकॉग्नाइज है, NSQF से होता है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से हमारा जो है रिकॉग्नाइज है, हमारा फुल फ्लेक्स सेंटर्स है,
तो हम लोग MOU भी देते हैं, और सिक्योरिटी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हम स्किल इंडिया से मंगवा के देते हैं, ट्रेनिंग हम देते हैं यहाँ पे। अगर 6 डेज की ट्रेनिंग है, हम 6 डेज की यहाँ ट्रेनिंग देंगे, लेकिन सर्टिफिकेट हम साइन करके यहाँ पर अपना बनाया हुआ नहीं देते। हम वो गवर्नमेंट से यहाँ से हमने एप्लीकेशन करते हैं कि हमारे ये भी इस कैंडिडेट की या हमारा जो लड़का है या जो भी है या हमारा प्रोपराइटर है, उनकी ट्रेनिंग यहाँ पूरी हो चुकी है और अब आप सर्टिफिकेट हमें प्रोवाइड करें। तो वहाँ से हमें सर्टिफिकेट आता है स्किल इंडिया का लोगो वाला, तो वो सर्टिफिकेट हम जो है वो आपको हम देते हैं, जिससे क्या है किसी को डाउट नहीं रहती है कि भाई इसने सर्टिफिकेट अपना साइन करके दिया है तो पता नहीं क्या है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है नहीं। जब स्किल इंडिया लोगों का ही जब आएगा सर्टिफिकेट, तो कुछ पूछने का कोई डाउट का कोई रहता नहीं, क्योंकि वहाँ एंट्री पड़ जाती है उनकी उस नंबर की, तो ठीक है वो सर्टिफिकेट। तो ये दो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो भी क्या है कि हम लोग ज़्यादातर काफ़ी सारे स्टेट में देते हैं, कुछ स्टेट वाले जो है पसारा पोर्टल का मार्ग, लेकिन पोर्टल की कोई वो नहीं है, पोर्टल के तो ये लोग DGP वाले चढ़ाते हैं, कहीं का नहीं चढ़ाते हैं, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जो इंस्टीट्यूट है वो रियल में फुल ब्लैक फंक्शनिंग होना चाहिए और वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए, तो उसकी मान्यता रहती भी है। हम लोग ने बहुत सारे MOU वगैरह हमने साइन किए हुए सभी को दिया, कई एजेंसी के साथ, और सबका चला, इवन इंडिया के कोने कोने में भी हमने दिया है, और साथ साथ में जो है उसका पसार का जो है प्रोसेसिंग भी कराया है। हमारी काम एक्चुअली हम ट्रेनिंग चलाना और MOU ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देना, ट्रेनिंग करना, हम लोग एजेंसी भी चलाते हैं, तो लेकिन प्रोसेसिंग का काम हम ज़्यादा नहीं करते, वो उसके लिए और है बहुत सारे कंसल्टेंट वो कर देते। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ आप किसी पास क्यों जाना, आप खुद करिए ना। मैं तो ये सब चीज़ बता रहा हूँ, मेरी सारी वीडियो आप देखिए, एक बार फर्स्ट क्लास, दो चार बार थोड़ा ध्यान से कोने में बैठ के अपना सुनिए, अच्छी तरह ध्यान लगाए, तो आप खुद ही कर लोगे। और मेरे को ये एक्सपीरियंस है, कम से मेरे जितने क्लाइंट्स हैं, मेरे 6,000 के ऊपर तो मेरे व्यूअर्स हैं, और उसमें से ज़्यादातर एजेंसी वाले मेरे वीडियो देख के ही अपना एप्लीकेशन फिलअप कर दिया हुआ है। जहाँ कहीं गाड़ी अटकी है तो मैंने हेल्प भी करा हुआ, मेरा नंबर मोबाइल नंबर में लिखता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है और टॉप में भी रखता हूँ, तो कई बार फ़ोन कर लेते, मैं बता दूँ ऐसा करो, मैं किसी को ऐसा नहीं करता हूँ कि मैं कोई आशा रखता हूँ कि पैसा दो कि मैं बताऊँ, ऐसा नहीं है, हेल्प करता कर देता हूँ, ठीक है। जो क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो हमारा काम है, उससे हमें जो मिलना हो तो मिलता ही है, हम लोग मोहब्बत में तो दुनिया में कोई काम नहीं करता, लेकिन एक प्रोसेसिंग में काफ़ी सारी ये डॉक्यूमेंटेशन बनाना होता है, उसमें टाइम चाहिए, हम ऑलरेडी हम लोग बिजी लोग, इस बिजनेस में काफ़ी सारा बगदौड़ी रहता है, समय इतना नहीं मिल पाता, तो इसीलिए प्रोसेसिंग हम लोग नहीं करते। लेकिन फिर भी कहीं कोई चाहते कि नहीं आप सब कर लीजिए, कर भी लेते, ऐसा कोई बात नहीं, कहीं का प्रोसेसिंग हमने यहाँ से करा के अपलोड करके भेज दिया है, और कहीं जहाँ प्रॉब्लम आई तो हम लोग सॉल्व भी कर दिया है, ठीक है। ये सब चीज़ है। इसके अलावा जो प्रोपराइटर का जो ट्रेनिंग होता है 6 डेज का, डायरेक्टर्स का भी 6 डेज का होता है, वो उसमें सर्टिफिकेट अपलोड करना, पार्टनर ट्रेनिंग में अपलोड करना पड़ता है, MOU भी जो है वो करना पड़ता है। अब वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही, मैं ज़्यादा समय नहीं खींचूँ, क्योंकि 20 मिनट से ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब क्या है कि जो इसके बाद आ जाता है आपको जो फीस स्ट्रक्चर क्या है, ये इसमें मैं पहले भी बताया हूँ कि ये एक स्टेट में आप लाइसेंस ले सकते हैं, मतलब स्टेट वाइज है, आप पूरा इंडिया में लाइसेंस ले सकते, लेकिन स्टेट वाइज अलग अलग लेना पड़ेगा, तो एक डिस्ट्रिक्ट की 5 डिस्ट्रिक्ट और पूरा स्टेट एंटायर स्टेट, इस हिसाब से आपको जो है वो लाइसेंस लेना होता है। तो इसकी एक फ़ीस भी है कि एक डिस्ट्रिक्ट का 5,000 रुपया गवर्नमेंट फी है, 5 डिस्ट्रिक्ट का 10,000 रुपया है, एंटायर स्टेट का जो है 25,000 है। इसके अलावा आपको उसमें काफ़ी सारे ये सब खर्चा भी लगता है, क्योंकि जो ज़्यादातर लोग क्या है साइबर कैफे में जाकर अपलोड कराते हैं, MOU जो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करती है वो कुछ उनका पैसा तो लेंगे, खैर वो भी तो मुफ्त में कोई बैठे नहीं है सब काम करने के लिए, और इसके अलावा डॉक्यूमेंट रेडी करवाते हो, तो ये है हमारे भी, हमने और भी महाराष्ट्र में ब्रांच ऑफिस खोल रखी है, तो इस तरह से हम लोग उनको काम देते, भाई आप करिए ये सब चीज़, तो ये सारी ये फीस है। उसके बाद वो फीस भरिए, और फीस भरने के बाद सीधा लास्ट में आपका आ जाएगा सबमिशन, आप सबमिट कर दीजिए, जैसे आपका सबमिट हो जाएगा तो आप प्रिंट कॉपी उसकी निकाल लीजिए, प्रिंट में आ जाएगा, आप PDF फाइल बना के व्हाट्सएप पे ले लीजिए, अपने ईमेल में ले लीजिए, तो इसकी कॉपी भी आप कम से कम 2 कॉपी निकाल लीजिए, एक कलर कॉपी, एक अपनी ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी, या दोनों ब्लैक एंड, जैसे भी आप निकाल, दो सेट कॉपी निकाल लीजिए। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी मंत्रालय में, मंत्रालय कहीं DGP जाती है, कहीं होम मिनिस्टर भी डीलिंग करते हैं कहीं की जगह, तो वो फिर अपने नज़दीक डिस्ट्रिक्ट में भेजेंगे, डिस्ट्रिक्ट SP ऑफिस से जो भी जिनको रिस्पॉन्स रेडी दिए उनका वेरिफिकेशन करेगा, वेरिफिकेशन होने के बाद
कुछ रिमार्क्स डालने के बाद आफ्टर रिमार्क्स दैट एप्लीकेशन मतलब दिस एप्लीकेशन विल बी रिवर्ट बैक टू डीजीपी ऑफिस, मतलब उनके वहाँ पे चली जाती है जहाँ से वो आई थी, और वहाँ से इसका पीरियड जो है मिनिमम 35 से 45 डेज का होता है लाइसेंस देने का, लेकिन एक बार ज़्यादा लोड होता है तो थोड़ा लेट भी हो जाता है, 2 महीने के अंदर में जनरली लाइसेंस आ जाता है, वो भी पोर्टल पे आप कहाँ खोजो बता ही देता हूँ, जहाँ पे इश्यू लिखा हो उसमें 1 नंबर 0 के जगह 1 आएगा तो उसको क्लिक करेंगे तो उसमें लाइसेंस पड़ा होगा, तो आप 2 महीना जब हो जाता है एप्लीकेशन सबमिट कर उसके बाद आप अपने पोर्टल को लॉगिन पासवर्ड देखते रहिए कहीं उसमें 1 तो नहीं लिखा हुआ है, लिखा है तो आप क्लिक करिए लाइसेंस में से निकाल लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, और अब ये सारी प्रक्रिया करने में कोई कुछ प्रॉब्लम होता है ठीक है तो मेरे को आप कॉल जरूर कर सकते हैं, क्योंकि अब अभी तक मेरा इतने सारे व्यूअर्स से हज़ारों लोग ने मुझे कॉल भी किया है, मेरी एनर्जी भी ख़त्म हो जाती है कॉल के पहले बात करते करते, अदर नो प्रॉब्लम, फिर भी मैं बताता हूँ अगर, लेकिन आप पहले इसको ध्यान से सुनिए और अपने आप कोशिश करिए, और आपका काम नहीं मतलब अटकता है कहीं नहीं हो रहा है तो आप कॉल करके मेरे को शॉर्ट में पूछ लीजिए, और आप वो कॉल करेंगे आप वर्किंग आवर्स में करिए, कम से मतलब 9 बजे से 7 बजे तक दिन में, क्योंकि कई लोग 11 बजे रात को 12 बजे कभी 10 बजे ऐसा मत करें, क्योंकि हमारे को भी समय आराम तो चाहिए ठीक है। तो फ्रेंड्स कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम है, तो सब जो है अपना जिसको इसमें इंटरेस्ट है आप अपना जो है आप लाइसेंस लीजिए और खुद बिजनेस करिए ठीक है। मैं और भी और ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ठीक है, बेल आइकॉन को भी आप क्लिक कर लीजिए, जिससे मेरी आगे आने वाली आपको वीडियो जो है आपके तक फिर पहुंच जाएगी, और मार्केटिंग के लिए भी मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका है और 4 वीडियो बनने वाली है, तो ये इसका जो आप कैसे मार्केटिंग करें, आपको आप क्लाइंट्स कहाँ से लाए वो आपको मालूम पड़ जाएगा, इसीलिए इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, आप मेरे को याद करोगे ठीक है। ओके ठीक है, थैंक यू, ओके बाय।